अब देखिए, अभी तक हम वर्क डन कर चुके हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनर्जी। तो एनर्जी पे जाने से पहले हम थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं हमने वर्क डन में क्या पढ़ा है। तो वर्क डन में ये था, व्हेन एवर वी अप्लाई सम फोर्स ऑन अ बॉडी, अगर किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे और उस फोर्स को अप्लाई करने की वजह से दैट बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, देन इन दैट केस वी से दैट वर्क इज डन। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी क्या है, एग्जाम्पल से समझाते हैं क्या है एनर्जी। जैसे कि मैंने किसी को कहा, सपोज घर में मैंने किसी से कहा कि यार ये हमारा कुछ काम कर दो, या बाजार से जाके ये काम कर दो। तो मेरे छोटे भाई ने मुझसे ये कहा कि नहीं भाई, अभी मेरे में हिम्मत नहीं है, मेरे में ताकत नहीं है कि मैं आपका ये काम कर दूं। बुरा जनरल भाषा में समझा रहा हूं। तो बच्चे ने कह दिया कि भाई मेरे अंदर ताकत नहीं है। तो मैंने कहा क्या बात, उन्होंने कहा मुझे भूख लगी है। द मोमेंट ही ईट्स द फूड, खाना पेट में गया, 10 मिनट बाद बोलता है लाओ भैया क्या काम था बताओ मैं कर देता हूं। मतलब जो वो फूड है, जो फूड उनने खाया, डेट प्रोवाइडेड हिम एनर्जी, और उस एनर्जी की वजह से ही उस बच्चे ने काम करने की हिम्मत आई। तो एनर्जी क्या चीज है, एनर्जी जनरल भाषा में बता रहे हैं, अभी हम एग्जाम्पल पे नहीं जा रहे। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, लिख लेते हैं इसको, एनर्जी इज द कैपेसिटी, और वी कैन से इट इज द कैपेबिलिटी, इट इज द कैपेबिलिटी टू डू सम वर्क। क्योंकि जैसे ही उसने खाना खाया, खाना खाते ही उसको एनर्जी प्रोवाइड हुई, और उस एनर्जी की वजह से ही वो बाजार जा पाया और जो मैंने उसको काम कहा था वो कर पाया। ठीक है ना, समझ में आ गया क्या एनर्जी है। एनर्जी वो चीज है जिसकी वजह से हम काम कर सकते हैं। अगर किसी बॉडी पे एनर्जी लगेगी तभी हम वर्क डन कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि ये कोई मेरा सरफेस है, यहां पे एक बहुत बड़ी बॉडी रखी है जिसका नाम है ए, और कोई छोटी सी बॉडी है जिसका नाम है बी। ठीक है, ये जो बॉडी बी है ये कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, बट वो जितना भी फोर्स लगा रही है उसकी वजह से इस बॉडी ए के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो नहीं हो पा रहा। तो इसका मतलब हमने ये कहा कि जो वर्क डन था इस केस में वो जीरो था। क्योंकि कंडीशन क्या है वर्क डन की, वर्क डन की कंडीशन ये है कि भैया फोर्स लगने के बाद बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट इन द लाइन ऑफ फोर्स होना चाहिए, ये चीज हम देख चुके हैं। ठीक है, तो एक छोटी बॉडी जो अभी रुकी हुई थी, अब उसी बॉडी को मैंने क्या किया, अब उसी बॉडी को, ये वही सेम बॉडी ए और ये वही सेम बॉडी बी, बट अब क्या है, इस बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी है, जो बॉडी बी है अब उसके पास कुछ वेलोसिटी है, अब वो उस वेलोसिटी से बॉडी ए की तरफ अप्रोच कर रही है। अब जैसे ही हमने देखा ये बॉडी वी इस बॉडी ए के पास आ गई, तो उनने उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया, और इस बार फोर्स लगाने की वजह से ये बड़ी बॉडी मूव हो गई, मतलब कि उसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट आ गई। और जब बॉडी के अंदर फोर्स लगने की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होती है तो उसको हम कहते हैं कि वर्क डन हो गया। अब जो ये इस केस में वर्क डन नहीं हुआ था, मगर सेम वही बॉडी ली और उसको मैं दूर से भगाता हुआ लेके आया, तो इस केस में वर्क डन हो गया। तो दोनों केस में अंतर क्या है, दोनों केस में ये अंतर है कि जो ये बॉडी थी इसके पास एनर्जी नहीं थी, इसका पेट खाली था, वो भूखा था, और यहां पे इसका पेट भरा हुआ था, वो एनर्जी लेके आ रहा था, और वो उस एनर्जी की वजह से उनने कुछ काम कर दिया। ठीक है ना, इसको थोड़ा रिलेट करते हैं इसी एग्जाम्पल को अपने क्रिकेट से। क्रिकेट में हम क्या देखते हैं, एक बॉलर है, अगर हम एक बॉलर से कहें कि आप खड़े खड़े 150 किलोमीटर पर आर की स्पीड से बॉलिंग कर दो, क्या वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। बट हम देखते हैं जो फास्ट बॉलर है, मान लो कि ब्रेटली है, हमारे इंडिया में जसप्रीत बुमराह है, शोएब अख्तर है, तो ये जो फास्ट बॉलर है वो क्या करते हैं,
अपना रनअप लेके आते हैं, एक बॉलर बहुत दूर से भागता हुआ आ रहा है और उस भागने की वजह से, उस वेलोसिटी की वजह से उसको एनर्जी मिलती है, मतलब कि वो एनर्जी लेता हुआ आ रहा है। जो वो वेलोसिटी है वो एनर्जी का ही प्रतीक है, वो एनर्जी लेता हुआ आ रहा है और जैसे ही वो अपने बॉलिंग मार्क पे आता है वो बॉल को पुश करता है। अब की बार बॉल क्या है, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी जाती है, ठीक है ना। वही कंडीशन यहां थी कि यहां पे बॉलर को कहा गया खड़े खड़े बॉल डालो, उससे डाली नहीं गई, तो उससे कहा तुम भाग के आके देखो और उन्हें बॉल डाली और उन्हें बॉल में 150 किलोमीटर पर आवर की डिस्प्लेसमेंट कर दी, या आप कह लो उसने उतना वर्क कर दिया, फोर्स जितना दिया मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट तो वर्क हो गया, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल हुआ एनर्जी। तो एनर्जी के हमने अभी जो भी एग्जाम्पल पढ़े हैं उसे हम यही प्रूव करते जा रहे हैं कि एनर्जी इज नथिंग बट कैपेसिटी या कैपेबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता को ही हम एनर्जी कहते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हमारे पास बचपन में सबके पास एक स्प्रिंग वाला खिलौना सबके पास रहा होगा, हम इसको बना लेते हैं। देखिए ये हमारा कोई नॉर्मल स्प्रिंग है, ठीक है, और इस स्प्रिंग पे यहाँ पे कोई ट्रिगर लगा होता है और ये जो स्प्रिंग है ये एक बुलेट से या आप कह सकते हो एक एरो से कनेक्टेड है। जनरल कंडीशन में अगर मैंने यहां से ट्रिगर को पुल किया तो ये जो एरो है ये यहीं पे गिर जाएगा, ये आगे नहीं जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने उस स्प्रिंग को खींचता हूं, खींचने से मतलब यहां पे खींचने से मेरा मतलब कंप्रेशन से है, अपने उस स्प्रिंग को मैं इधर की तरफ खींचा, मतलब कि मैंने उसको कंप्रेस किया और जो यहां पे ट्रिगर लगा हुआ है और ये मेरी गोली है या ये मेरा एरो है। अब जैसे ही मैं यहां पे इस ट्रिगर को पुल करता हूं, वो ट्रिगर को पुल करते ही ये जो एरो है ये आगे की तरफ मूव होता है और ये बहुत दूर जाके जहां पे हमें टारगेट पे हिट करना होता है, छोटे बच्चे जिसको जो छोटे बच्चों की बंदूक होती है वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। तो ऐसा क्या था कि जब मैंने वो ट्रिगर विदाउट स्प्रिंग को कंप्रेस करे मैंने पुल किया, वो बॉडी वहीं की वहीं गिर गई, मतलब कि उस एरो ने कोई काम करके नहीं दिया। और ऐसे यहां पे क्या हुआ, किसी फोर्स के साथ कुछ डिस्प्लेस हुआ वो एरो, मतलब कि कुछ वर्क डन हो गया। तो ऐसा मैंने यहां पे क्या कर दिया, मैंने उस स्प्रिंग को कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दी और उस एनर्जी की वजह से ही मैं काम कर पाया। एक स्प्रिंग इस पोजीशन पे था, अभी इसकी एनर्जी कम थी, मैंने इसको कंप्रेस किया, मैंने उसकी एनर्जी बढ़ा दी और जैसे ही मैंने ट्रिगर पुल किया वो एनर्जी ने मुझे कुछ काम करके दिया। तो दिस इज अवर एनर्जी। एनर्जी क्या है, मुझे हमेशा काम करके देती है। एनर्जी इज नथिंग बट द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। तो एनर्जी और कुछ नहीं, हमारा वर्क जैसी ही चीज होती है। तो जो एनर्जी है इसकी जो क्वांटिटी है, तो एनर्जी हमारी स्केलर क्वांटिटी ही है, जैसे कि वर्क डन हमारी स्केलर क्वांटिटी थी, ठीक है। और वर्क डन की हमारी एसआई यूनिट्स क्या थी, वर्क डन की हमारी एसआई यूनिट थी जूल। तो एनर्जी की भी एसआई यूनिट हो जाएगी जूल, ठीक है। एक जूल क्या होता है, एक जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के, और ये हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं, दिस इज 1 जूल, ठीक है। एनर्जी एक बहुत छोटी यूनिट है, तो जनरली जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम एक यूनिट पढ़ेंगे विच इज किलो जूल। तो 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10 रेस टू पावर 3 जूल्स, ठीक है। तो ये बात रही हमारी एनर्जी के।